अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जैसा कि आप जानते हैं, मोहसिन महमूद रमानी बरको इस्लामाबाद मरबा फूड से मुखातब हूँ और आप देख रहे हैं मरबा फूड वन। आज मैं आपको दे रहा हूँ बेहतरीन और आसान रेसिपी, खोए वाली खीर कैसे बनती है। आए मेरे साथ, वीडियो एंड तक देखिएगा, लाइक कमेंट्स लाजमी करिएगा। सबसे पहले हमने मैं बना रहा हूँ 50 किलो दूध की खीर, लेकिन आपको मैं दूंगा 2 किलो दूध की रेसिपी, क्योंकि घर में इतनी तो नहीं बनाई जाती ना, थोड़ी बहुत बनाते हैं, तो इसलिए मैं आपको उस हिसाब से दे रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक पाव बासमती के कच्चे चावल भिगोने हैं 2 घंटे पहले, उसके बाद आपने दूध उबालने के लिए रख देना है। जब दूध उबल जाए तो आपने वो जो एक पाव चावल हैं वो उस 2 किलो दूध में शामिल कर लें, ठीक है जी। उसके बाद आप उसको उबालियां दे के उसको दम पे लगा दें। फिर आगे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करते हैं। जब उबालियां दे के दम पे लगाएंगे, साथ साथ थोड़ी देर बाद आप चमचा लगाते रहें ताकि जमे ना। उसके बाद लजीज़ा खीर मिक्स आप इसमें 1 डब्बा शामिल कर लें। 1 डब्बा आप लजीज़ा खीर मिक्स का उसमें शामिल करेंगे। ये देखें, लजीज़ा खीर मिक्स है। उसमें आपने क्या करना है कि जब मज़ीद चावल आपके घल जाएं तो आपने उसमें फिर आपने चीनी डालनी है। 2 किलो दूध में आप हसबे जायका 1 पाव चीनी डाल के फिर मीठा चेक कर लें, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो डालें। उसके बाद आपने खोया डालना है। खोया आपने 1 पाव, आपके पास खोया हो तो काफ़ी है, 1/2 किलो डालें, 1 पाव डालें, जितना डालेंगे इतना आपका खीर ज़्यादा आपकी मज़े की होगी। आप खोए को छोटा छोटा करके आप उसके अंदर डाल लें, खोया चेक कर लें कि खट्टा तो नहीं है। बाज़ जगहों पे खोया अच्छा नहीं मिलता, इसलिए वो फिर खीर अच्छी नहीं बनती। खोया डालने के बाद आखिरी लुक में आपको बताता हूँ कि खीर की माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ इलायची लाजमी डालनी है। ये पॉइंट मेरा रह गया था, हमने डाल दी थी लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ। सब्ज़ इलायची के 5-7 दाने आपने कूट के बीच में डाल देने, माशाल्लाह आखिरी लुक ये देख लें। इसके ऊपर आप बादाम काट के लगाएँ, पिस्ता लगाएँ, जो मर्ज़ी लगाएँ, माशा